डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो सब बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक्स ओपन करें। आज हम यूनिट नंबर 2 क्विज़ टाइम का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि क्विज़ कहते हैं किसको है, क्विज़ होता क्या है। तो क्विज़ का मतलब होता है टेस्ट। जैसे कि टीचर्स आपके टेस्ट लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, क्विज़। तो क्विज़ को हम टेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे किस बारे में बात की गई है। तो नासिर्स क्लास इज़ हैविंग अ क्विज़, लुक एट द सम ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स विच द टीचर हैज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्विज़। यहाँ पे ये बताया गया है कि नासिर की क्लास में टेस्ट होगा, एक हो रहा है। तो आपने ये क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं जो टीचर ने उनके लिए तैयार किए हैं। तो ये वो क्वेश्चन नासिर की टीचर ने उनके लिए टेस्ट लेने के लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो ये क्वेश्चंस टीचर उनसे पूछेंगी और क्लास उसको जवाब देंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कहाँ है? तो इस्लामाबाद है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज कायदे आज़म बोर्न। बोर्न का मतलब होता है पैदा होना। तो कायदे आज़म कब पैदा हुए थे? ऑन 25th December। तो कायदे आज़म 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ हना लेक। लेक कहते हैं वादी को। तो ये वादी का नाम है कि हना वादी कहाँ पे है? तो इसका आंसर है इन क्वेटा, यानी कि क्वेटा में है। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम 4 सिटीज़ इन सिंध। कि आप सिंध में 4 शहरों के नाम बता सकते हैं, कि कोई से भी आपके नाम बताने हैं जो कि सिंध में हैं। तो ये फर्स्ट है सखर, सेकंड खैरपुर, थर्ड हैदराबाद, फोर्थ दादू। ये 4 सिटीज़ हैं, ये 4 सिटीज़ के नेम हैं जो कि सिंध में हैं। तो अब आप बच्चों ने क्या करना है, आपने ये सारे आंसर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लर्न करने हैं विद स्पेलिंग्स। Thank you.